नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। अब महायुद्ध की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप खबरों के में आगे बढ़ते हैं, जहां पर जंग के मोर्चे से बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है और दावा इस बात का किया गया है कि उन्होंने सोमवार को यूक्रेन के डोनेस्क में हुए हमले को नाकाम कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने डोनेस्क के कई इलाकों में हमला कर रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और जवाबी हमला कर यूक्रेन की सेना को डोनेस्क में 5 जगहों पर पीछे धकेल दिया, जबकि एक जगह पर रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकाने पर कब्जा कर लिया। रूस ने इस हमले में 250 से ज्यादा यूक्रेन के जवानों की मौत का भी दावा किया। रूस से डोनेस्क छीन लेंगे ज़ेलेंस्की। डोनेस्क में यूक्रेन रूस में भीषण जंग। डोनेस्क से आई तबाही की नई तस्वीर। अब तक युद्ध के मोर्चे पर कमजोर दिख रही ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस पर एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने डोनेस्क के कई इलाकों पर एक साथ कई गोले और मिसाइलें दागी, और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया। साथ में यूक्रेन के हमले का वीडियो भी जारी किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सोमवार को डोनेस्क के पूर्वी हिस्से में यूक्रेन के हमले को रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस हमले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि रविवार को डोनेस्क के दक्षिणी हिस्से में 5 जगहों पर यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल दिया गया, जबकि यूक्रेन के एक ठिकाने पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि डोनेस्क में यूक्रेन अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। आरोप लगाए गए कि यूक्रेन डोनेस्क में रूस की सेना को बड़े नुकसान की साजिश रच रहा था, जिसे नाकाम कर दिया गया। Масштабное наступление на 5 участках фронта на Южно-Донецком направлении, введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. Целью противника являлось прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। जंग के कुछ महीने बाद ही रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस पर कब्जा कर इसे अपना हिस्सा बता दिया था। लेकिन इसके बाद से ही इस इलाके के लिए रूस और यूक्रेन की सेना में कई बार जंग हो चुकी है। अब रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी सेना ने इस इलाके में यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि रूस की सेना ने डोनेस्क में यूक्रेन के 250 सैनिकों को मार गिराया, जबकि यूक्रेन के 16 टैंक को तबाह कर दिया। रूस के जवाबी हमले में सेना की 24 गाड़ियां तबाह हो गईं। В результате умелых и грамотных действий восточной группировки войск потери вооруженных сил Украины составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. Командующий объединенной группировкой войск, начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Герасимов, в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении. Донецк пар кабзе ке лие ек бар фир Рус ор Юкрейн ме жанг бхадак гай хай. Рус ки сена бхале хи Юкрейн ки сена ко баде нуксан ка дава кар рахи хай. Лекин жис тарах се Юкрейн ки сена Донецк ме Руси ठिकानों पर हमला कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जंग और लंबी खींचेगी। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि डोनेस्क में यूक्रेन के हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने आखिर क्या कुछ दावा किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दावा क्या किया गया है वो समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डोनेस्क में एक बार फिर से जो जंग है वो यहां पर भड़क चुकी है। यहां पर हमले किए गए हैं, ऐसी जानकारी यहां से सामने आई।
और देखिए डोनेस्क में लगातार एक के बाद एक कई सारे हमले यहां पर किए जा रहे हैं और साथ ही साथ कई दावे भी इसको लेकर किए जा रहे हैं। समझिए कि डोनेस्क में आखिर किस कदर दो सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ यहां पर युद्ध लड़ रही हैं। तो देखिए जंग के मैदान से एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आई है। डोनेस्क में एक बार फिर से जो हमले किए गए हैं उसमें भारी नुकसान हुआ है, इस बात का भी दावा किया गया है। और जंग के मोर्चे से युद्ध का नया वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर हमला किया। और देखिए ये बड़ा दावा किया गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है और इसमें बहुत नुकसान पहुंचा है, इस बात का भी दावा किया गया। कहा ये जा रहा है कि ये रूस का क्षेत्र है और रूस के क्षेत्र पर यह हमला किया गया है। यूक्रेन की ओर से इस हमले का दावा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। किस तरीके से देखिए, एक के बाद एक कई हमले अब तक किए जा चुके हैं, एक साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दोनों ने आक्रामक रवैया अब भी अपनाया हुआ है। और ऐसे में यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया है और धुएं का गुबार भी साफ उठता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स लगातार कई सारे मोर्चों पर इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये युद्ध का ये जंग के मोर्चे से इस वक्त सबसे नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो सर्कल में आप देख रहे हैं ये माना ये जा रहा है, क्योंकि धुएं का गुबार भी आपको यहाँ पर नजर आएगा और इसी को लेकर ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कैसे एकदम से धमाका होता है और उसके बाद लगता है कि सब कुछ जो आसपास का इलाका था वो तहस नहस पूरी तरीके से हो गया होगा। देखिए एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश अब भी जारी है रूस और यूक्रेन की। ऐसे में कई तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं, ऐसे में ये वीडियो भी इसका सबूत है। तो जंग के मोर्चे से युद्ध का नया वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो को लेकर दावा यह किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर हमला किया। तो यूक्रेन जंग का ये नया वीडियो लगातार सामने आ रहा है और ऐसे में आप तस्वीर के जरिए भी देखिए, समझिए किस तरीके से अब भी ये जंग लगातार जारी है और उसी आक्रामक रवैये से जैसा कि पिछले साल हुआ था। पिछले साल फरवरी में जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, रूस को बड़े नुकसान का दावा लेकिन अब यहां पर निकल कर सामने आ रहा है। जैसा इससे पहले रूस कहता था कि हमने यूक्रेन के कई मिसाइल सिस्टम्स को तबाह किया है।